हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं केक मोल्ड्स के बारे में। तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। आप इसमें क्या क्या बना सकते हो, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या इसका जो है साइज है, तो सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, चलते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इसकी आपको साइज बता देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच है, और जो इस तरह से इसकी गहराई है वो 2 इंच है। तो देखिए, मैंने आपको इसके साइज के बारे में बता दिया है। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो फ्रेंड, जानते हैं इसके बारे में कि ये कितना मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड, ये मैंने लिया था 70 रुपीज़ में, और इसको लिया था मैंने आज से 7-8 साल पहले लिया था। तो आप देख सकते हो अभी भी ये यूज़ करने की कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ख़राब हो गया है या इसको मैं यूज़ नहीं कर सकती। आज भी मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड, एक चीज़ और बता दूँ, घर में छोटे बच्चे भी हैं तो उनके हाथ से ये कई बार गिरा है, तो आप इनकी कंडीशन देख सकते हो। तो इसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, और अभी तक इसका कुछ ख़राब नहीं हुआ है। और ये माइक्रोवेव सेफ़ है, ये ओवन सेफ़ है, ये डिश वॉशर सेफ़ है। तो और आप चाहें, जैसे आप ओ आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको कुकर वगैरह में भी जैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसे जो है माइक्रोवेव में ही यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तो हो गई इसके बारे में। और फ्रेंड, जब भी आप इसे यूज़ करें, अच्छे से ग्रीस कर ले, वो तो हम सब जानते ही हैं कि जब हम इसे केक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो इसे ग्रीस करना ज़रूरी होता है। और फ्रेंड, इसमें ज़रूरी नहीं है हम केक बनाएं, इसमें हम चॉकलेट वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे आपको अगर चॉकलेट के लिए यूज़ करना है ये, तो उसके लिए भी ये सेफ़ है ये। तो फ्रेंड देखिए, इतने सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो अभी तक इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और अब मैंने मार्केट में एक दो बार पता भी किया है इसके बारे में, इसकी रेट अभी भी वही है। लेकिन अगर ऑनलाइन आप देखोगे तो इसकी रेट ज़्यादा है, तो आप ऑफलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हो। और हो सकता है अगर ऑनलाइन ये ज़्यादा रेट में मिल रहा है तो थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क हो, क्योंकि एक होता है ना, जितना पैसे दो उतना अच्छी चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये मेरा जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप फ्रेंड, आपके लिए ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।